आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पहचान जड़ा वाला। मैं हूँ आपका भाई मोहम्मद एहसानुल्लाह काजी कर। हमने आपसे वादा किया था कि आपको हम जड़ा वाला के मसाइल से आगाह करेंगे, जड़ा वाला के मसाइल दिखाएंगे। इस वक्त जो हम एक मसला आपके पास लेकर आए हैं वो बड़ा अहम मसला है। मेरे पस मंजर में आप देख रहे हैं कि ये जो रोड है ये इस्लामपुरा को जाता है गवर्नमेंट हाई स्कूल एक्सीलेंस स्कूल जो है उसके करीब से। इसके रोड पर जो सिविल अस्पताल भी आता है, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जना वाला, इसी के रोड के ऊपर सिटी थाना भी आता है, इसी के ऊपर इस्लामिया हाई स्कूल भी आता है, इसी पर अदालतों को जैसे जो है वो भी आती है। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, अगर इस चौक का मैं तारफ कराऊँ तो ये मेरे पीछे जो आपको रोड नज़र आ रहा है ये जुमरा रोड है, और ये रोड शाहकोट की तरफ से भी आता है, खुरड़िया वाला की तरफ से भी आता है और जुमरे की तरफ से भी आता है। यहाँ से ये ट्रैफिक का जो बहुत ज़्यादा भाव, कुछ ट्रैफिक यहाँ से इस तरफ को मिल जाती है, ननकाना की तरफ, बुचैना की तरफ और दीगर जो गांव हैं, और जिन्होंने खुरड़िया वाला से आकर या जब जुमरा से आकर या शाहकोट रोड से आकर जिन्होंने ननकाना को जाना होता है वो भी इसी तरफ जाएंगे, जिन्होंने सीधे लाहौर की तरफ जाना है वो भी इसी तरफ जाएंगे। ये रोड जो है ये यहाँ से बुचे की कुंडा मोड़, यहाँ पर मदी फैजाबाद शर्कपुर इस तरफ को ये रोड लेके जाता है शॉर्टकट। अब अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ कि यहाँ पर किस चौक में मैं खड़ा हूँ, ये चौक कहाई है इसका हामिल है, लेकिन अफसोस कि यहाँ पर जो रोड इतने अहम रोड है उसको हम आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ पर रोड कितना टूट का शिकार है और यहाँ पर क्या सूरत हाल है, हम आपको आगे चलकर दिखाते हैं। यहाँ पर जो मैं इस रोड पर खड़ा हूँ, मेरे दाईं तरफ जो है वो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल है, और इसके आगे जाकर जो मेन दरवाज़ा है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अगर इस पर देखा जाए तो साइड पे जो है वो तलाह के चैम्बर और सिटी थाना है, और सिटी थाने के सामने से ये सड़क जो है वो गुजर रही है। अब इस सड़क की जो सूरत हाल अगर मेरे कैमरा में दिखा सकूँ तो ये रेडी वाले एक आ रहे हैं, इनका ज़रा देखिए सिस्टम के यहाँ पर कैसे जो गुजर रही है, और यहाँ पर ये गाड़ियों वाले जो हैं इनको जरा यहाँ पर जो रोड की सूरत हाल है वो आपके सामने है। तो हम आपको ये दिखाएंगे महंगी महंगी गाड़ियों वाले बेचारे क्या करेंगे, अब ये टैक्सी नहीं लेते या क्या, एक मिनट जरा कहेंगे भाई, ये भाई से हम पूछते हैं। सर ये सर आप बताइए कि ये जो रोड की सूरत हाल है वो इसके बारे में आप बैठे बैठे बात कर रहे हैं, क्या कहते हैं इस रोड के बारे में ये हुक्मरान जो वोट लेकर घरों में बैठते हैं कुछ कर नहीं रहे, आप इनको क्या कहेंगे, कोई पैगाम देंगे या कि जरूरत नहीं इस बात की कि ठीक है जो चल रहा है ठीक है। सर ये रोड माशाल्लाह काफ़ी सारी जाने ले चुका है पहले ऑलरेडी, जी जी, तो पता नहीं है आपके सर दोस्त के मजे लूट रहे हैं ये हुक्मरान बिल्कुल सारे के सारे, पता नहीं कब ये जागेंगे। हॉस्पिटल भी है साथ में, थाना भी है, तो सबसे पहले चाहिए कि ये रोड बनाना, लेकिन कोई तवज्जो नहीं है इस रोड पे, कोई आ ही रहा यहाँ पे, कोई देख रहा है, रोज़ गुजरते हैं यहाँ से जज साहब वहाँ रोज़ गुजरते हैं, साथ में कचहरियाँ भी हैं, जज साहब वहाँ रोज़ यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन किसी को कोई तवज्जो नहीं है कि ये रोड 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 लाजमी बनना चाहिए। नहीं इसमें हम किसी जज को तो शायद बुरा नहीं कह सकते, गफलत है, गफलत तो ज़ाहिर है कि ये
یہاں کے جو عوامی نمائندگان ہیں ان کی غفلت ہے اور ان کو کچھ خیال کرنا چاہیے کہ ایک طرف سول ہسپتال ہے, دوسری طرف سکی تھانہ ہے, تیسری طرف اسلامیہ ہائی اسکول ہے, چوتھی طرف وہ عدالتی ہیں ججوں کا ہے. یہ سارے معاملات جو ہیں بڑے نازک ہیں اور شاید کیا سمجھتے ہیں اس وجہ سے ہیں کہ وہ تھانے والے ہیں ان کو زیادہ محنت نہ کرنی پڑے, ملک بھاگے تو نہیں پکڑے گئے. یعنی کہ ہم اپنے سیاست دانوں کو کہہ سکتے ہیں انہوں نے مارے والوں کو سہولت کرا دی. آپ تھوڑا آگے آ کے بات کریں, کیا ایکسیڈنٹ لاس ادھر رکھتے ہیں, رکشے کی حالت ٹوٹتے ہیں, کبھی رکشے الٹتے ہیں, ادھر سب سے زیادہ حادثات ادھر ہوتے ہیں. اور ادھر ہی دیکھو ہمارا سرکاری ہاسپٹل ہے, ادھر ہی جج صاحب بھی بیٹھتے ہیں سارے پرسنل. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ پاکستان یہ اللہ ہی کہے گا, ہم تو کیا کہیں, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسی عوام ویسا حکمران, ہم نے بھی تو اللہ کو تھوڑا پیچھے چھوڑا, مسجدوں میں جانا چھوڑا, تو اللہ نے ویسا ہی حکمران ہمیں عمران کا. تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال جنا مالک کے آگے کھڑا ہوں. اگر ہسپتال کے آگے بالکل سامنے جو روڈ ہے اس کی حالت کا اندازہ کرنا ہے تو یہ میرے کیمرہ مین اگر دکھا سکے تو یہ حالت ہے یہاں کے سول ہسپتال کے سامنے کے روڈ. اب یہاں پر جناب ہم نے سن رکھا ہے کہ جنگ بھی ہو رہی ہو تو ہسپتال پر یا اس طرح کے جو ادارے ہوتے ہیں ان پر نشانہ نہیں بنایا جاتا, لیکن ہمارے حکمران شاید یہ ہسپتال کے سامنے والا ہی روڈ ان کو ملا ہے کہ یہ ابھی تک ایسے میں نا ویسے ہی آپ میں میرا خیال ہے کہ میں یہاں پر غلط کہہ گیا ہوں کہ یہی روڈ جو ملا ہے, کوئی کام تو جڑا مالا میں ہمیں دیکھا نہیں ابھی تک کہ کہیں پر شروع ہوا ہے یا کسی نے کوئی ترقیاتی کام کیا ہو, ابھی تک تو نظر نہیں آیا. لیکن ہسپتال کی حد تک اگر دیکھا جائے تو اس ہسپتال کے سامنے والا جو روڈ ہے وہ بھی اس قابل ہے کہ اگر ایمبولینس میں کسی مریض کو لے کر آیا جائے تو وہ مریض شاید یہاں کے جمپ لگنے کی وجہ سے ہی بیچارہ دم توڑ جائے. اگر کوئی حاملہ عورت یہاں پر لائی جاتی ہے تو شاید وہ پہلے جو ہم نے سن رکھا تھا کہ رکشے میں بچے کو جنم دے دیا گیا تو شاید وہ مثال بھی پیچھے رہ گئے. اگر آپ مناسب سمجھیں تو کسی حوالے سے کوئی بات کریں گے کہ یہ اس روڈ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ روڈ بہت گندا ہے, ہم لوگ رکشہ چلاتے ہیں, سارا رکشہ جو نا ہمارا ٹوٹے پھوٹے ہوئے سب کے, سواری بھی بہت سلیل ہوتی ہے. اچھا آپ اس ظاہر ہے کہ جہاں پر روڈ نہیں اتنا ہو وہاں رکشے والے جاتے نہیں, لیکن جہاں پر راش ہی کافی لگ رہا تھا اس کی راستہ جو نا ہر جگہ کا جانے والا ہے, اسپتال کا بھی, عدالتوں کا, کچہریوں کا, ہر جگہ یہ راستہ جاتا ہے, مین راستہ ہی, اور یہ سارا ٹوٹا پھوٹا. جو ناظر آئیے دوستو, میں آپ کو میرے کیمرہ مین اگر دکھا سکیں تو آئیے میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر یہ سٹی تھانہ سول ہسپتال کے بالکل سامنے, سٹی تھانہ جو ہے اس کی عمارت ہے, سٹی تھانے کا بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے, تو یہ سٹی تھانہ بھی اسی روڈ پر ہے جس کی حالت کافی پہلے سے خراب ہو چکی ہے اور کوئی بنانے کا نام نہیں دے رہا اس کو. یہاں پر ہم نے آپ کو دکھایا کہ سول ہسپتال اور سامنے اگر تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے سامنے ساتھ بالکل جائیں تو وہاں پر اسلامیہ اسکول ہمیں نظر آتا ہے جہاں پہ قوم کے معمار جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے میں موجود ہیں. آئیے ہم آپ کو اسلامیہ اسکول کے آگے لے کے چلتے ہیں. Thank you.
दोस्तों ये इस्लामिया हाई स्कूल की इमारत हमारे सामने है। यहाँ पर हज़ारों बच्चे, अभी कुछ ही देर के बाद यहाँ से स्कूल की छुट्टी होगी तो हज़ारों बच्चे जो हैं वो बाहर निकलेंगे और साइकिलों पर, मोटरसाइकिलों पर वो यहाँ से निकलेंगे। और एक तो बेचारे सुबह से बैठे पढ़ाई में मसरूफ हैं, लेकिन अब यहाँ पर गेट से शुरू होते ही जो सड़क टूटी हुई सड़क है ये उनका इस्तकबाल करती है। और ये जो धूल है ये सांस की एलर्जी का मसला बनने में मामन साबित हो रही है, लेकिन वैसे सेहत के दावे किए जाते हैं बहुत सारे जनाब के, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, सेहत के लिए हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जड़ामाला के एमपीए एमएनए ये बच्चों के मुस्तकबिल के साथ क्या कर रहे हैं ये आपके सामने है। अभी हम आपको लेकर चलते हैं आगे अदालतों के तैयारियों के गेट के सामने, जहाँ पर रोज़ाना बहुत सारे जजेस ड्यूटी पर जाते हैं, वो खिलाफ से जाते हैं, शायरी वहाँ से गुजर कर जाते हैं इसी रोड से। आपको हम उस गेट पर लेकर चलते हैं, बाकी हम बात आपसे वहाँ पर जाके करते हैं। ये लक्जरी गाड़ियाँ जो हैं ये यहाँ से गुजर रही हैं, तो आपको पता नहीं बेचारों का नुकसान क्या होगा। मेरे पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है नहीं, लेकिन ये है कि गाड़ियों वालों का नुकसान होता है। तो कह सकते हैं कि ये जो रोड है ये वक्त की ज़रूरत है, इसको तामीर किया जाए। सर आपके पास जहाँ से चौकीदार, अच्छा रोड यहाँ पर जो टूटा है आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि बच्चों को ये क्या नुकसान दे रहा है, कि रोड क्यों ज़रूरी बनना है? रोड में बहुत ज़्यादा रश रहता है, जब स्कूल की छुट्टी होती है तो उस वक्त प्रॉब्लम बढ़ता है, ट्रैफिक जाम हो जाती है खड्डों की वजह से, घंटों यहाँ पे इंतजार करना पड़ता है गाड़ियों वालों को, मुसाफिरों को और स्टूडेंट्स को, और हादसा होने का खदशा है स्टूडेंट को गाड़ी ना टकरा जाए या इस किस्म का प्रॉब्लम पेश ना आए, इसलिए इसको चौड़ा भी होना चाहिए और उसको ठीक भी होना चाहिए। जी यहाँ पर हमारे साथ एक टीचर साहब मौजूद हैं, सर आप ये बताएं कि हज़ारों बच्चे तादाद कितनी होगी यहाँ पर? बच्चों की 6-7 हज़ार तादाद है यहाँ बच्चों की। जब वो छुट्टी के लिए निकलते हैं तो अक्सर के पास मोटरसाइकिलें और साइकिलें होती हैं, तो ये रोड जो टूटा हुआ है इस पर उनको क्या क्या दुश्वारियाँ पेश आती हैं, आप एक अच्छे तरीके से हमें बता सकते हैं? सर ये रोड जो है जड़ा वाले का मसाइल स्थान है, अब ये कह सकते हैं मेन ऑफिस है, यहाँ पे हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है अपना, ये है थाना है, जजल की आगे बने हुए हैं, लेकिन इतनी परेशानी यहाँ पर सुबह यकीन करें आधा पौना पौना घंटा स्कूल लेते हो जाते हैं, और इसके अलावा अक्सर जो है बच्चे टकराते रहते हैं। जब बारिश हो जाती है ना फिर तो अल्लाह ही आपने पता नहीं क्या मसला है, कोई आदमी ऐसे मेरा चार पाँच साल से ऐसे यही सूचना, कभी स्कूल की तरफ से या कोई सिटी थाने की तरफ से या अस्पताल की तरफ से कभी किसी को कहा गया हो? हमने कई दफ़ा आवाज़ उठाई है टीचर सब के, लेकिन ये जो लोग हैं ना बाकी कोई तवज्जो नहीं देता है, इसका कोई परेशानी हाल नहीं है। जी दोस्तों अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, मोस्टली गरीब लोग हैं, इसलिए यहाँ पर किसी अमीर का बच्चा, किसी वजीर का, किसी एमएलए का बच्चा यहाँ नहीं पढ़ता, इसलिए उनको उनकी बरात से वो बनाएँ या ना बनाएँ। हाँ अगर उनके बच्चे पढ़ते होते तो बच्चे जाकर जरूर कहते कि पापा हमारे स्कूल के सामने ये मसला है आप उसको हल करें, बल्कि ये वोट जब लेने आते हैं तो कहते हैं कि सारे बच्चे हमारे हैं। अब मैं जड़ावाला के एमएलए मलिक नवाबशेर वसीम साहब, एमपी राय हैदर सलाहुद्दीन साहब से मैं मुतालबा करता हूँ कि ये बच्चे आपके बच्चे हैं, ये मुस्तकबिल कौन का मुस्तकबिल है, इसको कौन देखेगा? आपके अपने बच्चे वल्ला वालों के कहाँ पढ़ते हैं, लेकिन मेरा एक माइंड है कि वो महंगे स्कूलों में पढ़ते होंगे, महंगे कॉलेजेस में पढ़ते होंगे, जहाँ पर इस तरह का रोड जो है उनका सुबह दोपहर इस्तकबाल नहीं करता होगा, लेकिन ये बच्चे जिनके कंधों पर आप सवार होकर असम्बली तक पहुँचे हैं ये उनके बच्चे हैं, जिनके वोटों की वजह से आप ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपके बच्चे ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये उन वोटरों के बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ते हैं, आपके बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट का खर्चा, हर खर्चा आपका क्वार्टर लोन्स हो, आपका गाड़ी लोन्स हो या दीगर लोन्स हो, वो सारे इन बच्चों के वालदैन के वोटों की वजह से मिले हैं। तो प्लीज़ आप इस स्कूल के लिए, यहाँ के आवाम के लिए आप कुछ करें, इनकी जो रोड है इसको आप बनाने की कोशिश करें, गांव आपको सलाम करेगी। अभी हम आपको लेकर चलते हैं नाज़रीन आगे, जहां पर अदालतें कचहरियाँ हैं, हम आपको वो जगह भी दिखाते हैं कि वहां की क्या सूरत हाल है। आइए आ रहा हूँ, सिर्फ 5 मिनट में आ गया, 5 मिनट में आ गया घर।
जी दोस्तों, ये रोड जो है ये हम आगे जुडिशियल कॉम्प्लेक्स अदालतों के कचहरियों के सामने, यहाँ पर जो रोड की सूरत हाल है, मैं जानबूझकर यहाँ पर खड़ा हुआ। मैं आपको दिखा सकूँ, ये जब बारिश के दिन होते हैं तब तो ये ट्रैफिक कभी इधर से कभी उधर से चलेगी, लेकिन आम दिनों में भी ये ट्रैफिक आने वाली उधर से जो आ रही है वो उधर से आ रही है और जाने वाली जो है वो उस तरफ से जा रही है। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई गिर जाए तो शायद उसकी टांग वगैरह टूट जाए, और अगर कोई गाड़ी को यहाँ पर चबसरा पेश आ जाए तो मैं समझता हूँ शायद टायर टूटने से कम नुकसान यहाँ पर नहीं होगा। अब जनाब जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं, इनको चाहिए कि यहाँ के आवाम की सहूलत के लिए यहाँ का जो रोड है इसको तामीर किया जाए। ये वक्त की भाई ज़रूरत है और ये हमारी नस्लों के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि जो छोटे बच्चे हैं यहाँ पर सुबह शाम स्कूल पढ़ने के लिए आते हैं, बेचारियाँ हैं यहाँ पर बुकरा हजरा और जो जज साहिबान हैं वो तशरीफ लाते हैं, और बहुत सारे जो साहिबीन हैं वो भी अदालतों का रुख करते हैं और ये टूटे हुए रोड से गुजर कर चलते हैं। हम आपको यहाँ पर जो बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, हम देखते हैं उनका ऑफिस सामने है, अगर वो मौजूद हों तो हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आइए हम उनके पास चलते हैं, फिर उनसे देखते हैं, अगर वो दफ्तर में हुए तो हम आपको उनका जो व्यू है वो भी लेकर आपको सुना देंगे। जी दोस्तों, इस वक्त हम आ गए हैं ऑफिस में जनाब मोहम्मद आरिफ शेख साहब के, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं बाहर एसोसिएशन करा वाला के। सर बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। गुजारिश है कि जो रोड जो टूटा फूटा है इस पर हम निकले हैं कि चलो ये कुछ इसका कुछ बन जाए, आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखो मेरे मौका भी है, मौजूद हो चुका है, मिश्र साहब ने ज़ाती अप्रूवल दे के हमें उनके पास गए थे, उन्होंने हमसे ये पहला वादा यही किया कि हम इस रोड को बना देंगे। आन करीब इसमें इसका शेड्यूल तय हो चुका है, इसका टेंडर पास हो चुका है, इंशाल्लाह यकम तारीख तक इसके काम शुरू हो जाएगा और ये रोड। सर मैं